हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F2 एरर कोड के बारे में। बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F2 एरर कोड क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर के F2 एरर कोड के बारे में। बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F2 एरर कोड को कैसे हटाएं, इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और इसका रीज़न क्या है आने का जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, जो हमारा बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर में F2 एरर कोड आने का रीज़न है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडोर को खोलना है, कैबिनेट निकाल के पूरा बाहर रखें और उसको फिर पीसीबी कार्ड को निकाल के थोड़ा सा बाहर और उसमें जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है आपको सबसे पहले उसको चेक करना होगा। कॉइल टेम्परेचर सेंसर को देखें एक बार, उसका जैक देखें कहीं से लूज तो नहीं है, तार वार लूज़ हो गई हो उसकी जो जड़ की जड़ से जैक के पास से तार अगर लूज़ हो गई है जैसा भी कुछ है तो उसको ठीक करके देखें, या उसमें धूल धक्काड़ हो तो एक बार ब्रश से साफ़ कर दें बढ़िया तरीके से, या फिर चूहों ने सेंसर की वायर भी काट रखी होगी तो ये भी चेक कर लेना उसके साथ साथ, देख लें उसके साथ साथ, और या फिर उसमें जंग आ गई हो, सेंसर में जंग आ गई हो तो उसको साफ़ करके देखें, आपका F2 एरर कोड डिस्प्ले से हट जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी F2 एरर कोड डिस्प्ले पर आ रहा है तो फिर आपका जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है उसमें फॉल्ट है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, इस वजह से F2 एरर कोड डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको उस सेंसर को चेंज करने की ज़रूरत है। फिर अगर आपके पास में सेंसर है आपके पास में तो आप उस इमीडिएटली उसी टाइम लगा के चेक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास सेंसर नहीं है आपको मार्केट जाने की ज़रूरत है तो मार्केट जाने से पहले आप ये भी चेक कर लें, मतलब जो पीसीबी कार्ड है हमारा उसको चेक कर लें, जो हमारा जहाँ पे जैक लगाते हैं हम कनेक्टर लगाते हैं सेंसर का, तो वहाँ पे हमें ये भी देख लें कि आउटपुट निकाल रहा है हमारा पीसीबी कार्ड या नहीं निकाल रहा है, हो सकता है वहाँ से भी इशू हो, बट ऐसा है नहीं। जो रीज़न है हमारा मेन रीज़न 100% जो प्रॉब्लम है वो F2 एरर कोड है, जो वो हमारा सेंसर की वजह से ही आती है। तो बट फिर भी हम संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं जो हमारा आउटपुट में, जो हमारा आउटपुट निकाल रहा है कार्ड या नहीं निकाल रहा है, जो हमें सेंसर को सप्लाई करंट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो वो हमें क्लाइमीटर से चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप कहो तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे कि इसमें मतलब कैसे कैसे चेक होता है, तो फिलहाल अभी तो हम यही बता रहे हैं आपको। तो सेंसर को आप मार्केट से जाएं लेकर आके लगा के उसमें लगा दें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, F2 एरर कोड डिस्प्ले से हट जाएगा बोल्टास इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे हेल्प भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बट हम ओनली दिल्ली NCR में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाके, आपको इंस्टाग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इंस्टाग्राम से जाके मैसेज कर सकते हैं, हमें वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, वरना आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं www.trustworthyhomeservices.in पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।